ठीक है नहीं, एक आध घंटा तो लग ही जाएगा, अभी ये गैस और ये सेल सब लगेगा लगेगा, और इसलिए ना भी नहीं है, बाहर बैठेंगे आप जब तक ये गैस नहीं चली जाती। लेकिन पढ़ाई कैसे करेंगे पुत्र जी, अब कैसे ना कैसे करनी पड़ेगी ना पढ़ाई, चल चल। हाँ मम्मा जी, लेकिन कैसे, मोबाइल की लाइट में आंखों पे बटन लगा के, चश्मे का नंबर चढ़ा के। बहाने बाद में बना लेना, कुछ सोच लेंगे, तू चल तो सही चल। और गार्डन वाले लैंप के नीचे, नाइट लैंप पे, सही में भाई पुत्र, बड़े बड़े विद्वानों ने कभी ना कभी मोमबत्ती की रोशनी में, स्ट्रीट लैंप के नीचे, और वो हाथ में लालटेन पकड़ पकड़ के पढ़ाई की थी है। नियत अच्छी ना, रास्ता निकल आता है। पर चलो चलो चलो, थोड़ी पूरी रात का काम, थोड़ी थोड़ी देर चलो, आ जाओ। ओ बाबा जी, क्या कर रहे हो आप? ओ जी, ऐसे कौन से पाप कर दिए हमने जो सारी सितम की पिचकारियां हम पे चला जा रहे हो? सुबह से सुबह उठे तो पापा जी घर छोड़ के चले गए, आधा शहर ढूंढ मारा तब जाके पापा जी मिले। जोगी, पापा जी मिल गए, उसके बाद जस्सी ने अपना हाथ तोड़वा लिया, हाथ तक तो ठीक था, उसके बाद आपने उसको चक्कर दिलवा दिए, फिर आपने हमारे घर के गैस का चूल्हा खुला छोड़ दिया। अब एक काम करो जी, इतनी खुंदक निकाल ही लिए तो बाकी सारी भी खुंदक निकाल लो, भूकंप ले आओ, सारी बिल्डिंगें गिरा दो, मार दो जी हमको, मार दो, सारा स्यापा ही खत्म कर दो जी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ सिमरन? राज, सूर्य और उसकी पूरी फैमिली यहाँ बाहर है, लगता है लाइट चली गई है, देख के आए क्या? चुप 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 कर, क्या बोले जा रहे हैं? वो देख क्या, अब इसी बहाने बाबा जी से बात तो कर रहा था, वरना साल में कितनी बार बात करता है बाबा जी से, बता। ओ पॉजिटिव सोच बच्चे, नेगेटिव सोचेगा ना तो नेगेटिव ही होना है, पॉजिटिव सोचेगा तो कोई ना कोई सलूशन निकल जाएगा, समझा? सुन ली बाबा जी ने तुम्हारी बात सुन ली बेटा। निकी, सूरी तूने बताया नहीं कि आज जगराते का प्रोग्राम चल रहा है, हम भी तो आ जाते रेवड़ी और गजक खाने। की दसा, देखना गलती से वो गैस खुली छूट गई मेरे से, तो हम सब बाहर आ गए सेफ्टी के लिए, अब यहाँ भी लाइट चली गई। तो चलिए ना, चलिए हमारे घर आइए, चलिए आइए। आपके यहाँ सरकार ने कोई स्पेशल कनेक्शन दे रखा है बिजली का? स्पेशल कुछ नहीं है, बस खुद का खरीदा हुआ इन्वर्टर है, आइए चलिए। इन्वर्टर, इन्वर्टर तो साड़ी कोल भी है, दो बैटरी वाला, पर वो गैस लीक के बाद ऑन करना कोई समझदारी वाला काम नहीं होगा मेरे ख्याल से। वैसे इस वक्त समझदारी इसी में होगी कि आप सब हमारे घर चलिए, आइए बेबेदार जी आइए। हाँ चलिए चलिए भाई साहब। सूरी चलना। हाँ जी हाँ जी। कुलविंदर जी, कल बच्चों का स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एकेडमिक राउंड है, पढ़ना जरूरी है, चलो चलो चलते हैं। भाई साहब बोले आप उत्तर, धन्यवाद। ओ वैसे थैंक यू पैन जी, इतनी रात गए, आपने तकलीफ हो गई। तकलीफ कैसी भाई साहब, वो रिया और मैं जगे हुए ही थे, अच्छा हुआ ना रिया को पढ़ाई करने के लिए कंपनी मिल गई। जोगी ये ले, इसमें से पढ़ ले, मेरा हो गया इसमें से पढ़ के। ओए रिया, ये सब तो ठीक है, वो मैंने तुमको आदित्य के बारे में एक बात बोली थी। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हो। ओवर, ड्रामा मत क्रिएट कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। ओए रिया, रिया मेरी मेरी बात। ओए वीरे, रिया कहाँ चली गई? पता नहीं, कहीं गई होगी अंदर, तू बैठ ना इले पढ़ाई कर। क्या हुआ, हम कोई टेंशन है क्या? देख बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मानती हूँ कि थोड़े डिस्ट्रैक्शंस आए थे, अब सब ठीक हो रहा है। देख जोगी को देख, कितनी चुस्ती से पढ़ाई कर रहा है, और जस्सी तो है ही टॉपर, बस अराउंड में उसे फर्स्ट ही आना है, उसे बस थोड़ा सा रिवीजन करना है। शी इज ब्रिलियंट यार, क्यों इतना टेंशन ले रही है? बस अराउंड में तो उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर लेगी वो, हाथ देखना उसका है। वैसे तो डॉक्टर ने कहा है ऐसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक जस्सी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, वो 4-5 सेकंड के लिए ना अंधेरा छा जाना, बेहोश हो जाना। अरे हेड इंजरी में ना अक्सर ऐसे होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से हो जाता है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। वही वही तो निकिए,
अभी अगर बसर राउंड में या रिटर्न टेस्ट में जस्सी को ऐसे ब्लैकआउट होने लगे तो फिर क्या करेगी वो, सोचा है तूने? उसे पता है? नहीं नहीं, उसको नहीं बताया। बताया अभी अभी ना, लाइट जाने से पहले उसे ऐसा ही ये ब्लैकआउट हो गया था। अच्छा? हाँ, मैंने तो बहाना कर दिया कि थकान है, वीकनेस है, पर देख मैंने सोचा कि कॉन्फिडेंस क्यों लो करो बच्ची का, है खुद पर से विश्वास ही उठ जाएगा। और तो और अगर टीम के बाकी बच्चों को पता चल गया ना तो फिर और मुसीबत है। तो चिंता ना कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा यार। जसिए उठ बच्चे, ओ जोगी चल उठ। चल भाई। हैं? कर लेता मैं चेक, सब कुछ ठीक है, उठा लो सबको। अच्छा छेती छेती चलते हैं। डॉक्टर साहब को थैंक यू नहीं बोलोगे आप? छड़ना यार, तू कह दे। लो चंगा है जी, अगली बार अगर हमारे बच्चों ने ऐसा किया ना बिना थैंक यू सॉरी बोले कहीं से चले गए तो फिर आप सीख नहीं देना कि थैंक यू बोलो सॉरी बोलो। हर चीज पे ना लेक्चर मत पेला कर। तो सही कह रही हूँ मैं? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ठीक। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। बढ़िया डॉक्टर साहब। हैं इतना रोला ही नहीं पड़ता जो वो गैस लीक का चक्कर नहीं पड़ता था। तो हम भी इन्वर्टर चला लेते, इंतजाम तो है ना पूरा घर में। नहीं वो तो है आपके पास है सारे जवाब। चंगा तो फिर वधिया, चंगा फिर हम चलिए यहां से। हम चलते हैं। अजी बच्ची को आप पुतर, चलो आजा पुत्र, आजा चल कर चलिए अपने। चलो अगले राउंड की तैयारी करनी, चलो चलो तैयार होने स्कूल जाना। चल चल आजा पुत्र। शाबाश पुत्र, शाबाश। वेलकम एवरीवन टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन के फर्स्ट एकेडमिक्स राउंड के लिए। जैसे आप लोगों को पता है ये राउंड आज हमारे स्कूल में होने जा रहा है, इसलिए दूसरे 5 स्कूलों से आए टॉप 5 फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स भी यहां हैं जो कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से। सो आई वेलकम देम ऑल एंड विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉम्पिटिशन। देखना आज से सारे स्कूल के चांसेस तो हमारे स्कूल में बन जाएंगे। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? यार इट फील्स रियली बैड यार। चल पहले के बजर राउंड में जैसे की वजह से हम जीत जाएंगे, बट नेक्स्ट राउंड इज द असली राउंड, रिटन एग्जाम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उसको कैसे हराऊंगी। अंकी, जस्सी, हाथों का नहीं, और मुझे आपकी दया की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी ने एक दरवाजा बंद किया है ना तो दूसरा खोल ही देंगे। क्या दरवाजा? चाची। जय माता दी। फोन का छोटा रिचार्ज देखा है आपने? वैसा दिमाग है आपका, ज्यादा यूज मत करो, वैलिडिटी कम है, पूरा खर्च हो जाएगा। और जहां तक बात रही जस्सी के हाथ की, हाँ हाथ पे चोट तो लगी है, पर यू नेवर नो, एग्जाम से पहले शायद ऐसा कोई जीनियस मिल जाए जो उसके लिए एग्जाम लिख दे। लेकिन आप लोगों की दिमाग की जो चोट है ना उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। चल जस्सी चाची पागल है। हाँ रूडिया, व्हाट डिड यू मीन?
ही मेंट भगवान जी ने एक चांस दिया है जस्सी के पट्टे को काटने का। चल फटाफट पढ़ाई करते हैं। एमी एमी एमी, तेरे इस छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आती कहाँ से? Get lost. वो छोटा रिचार्ज, तेरे इस जबरदस्त आईक्यू से तेरी ये जबरदस्त मैनर्स ज्यादा है। एनीवेज, मैंने सुना है तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सॉरी, फोटोजेनिक मेमोरी है वो, क्या बोलते हैं, एक बार जो देख लिया उसे भूलती नहीं, ऐसा कुछ? क्यों फंका रहे हो? जाओ ना यहाँ से, जॉन की भैया। भैया मैं? हो गॉड, यार ये भैया सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मौत ना बेशर्मों को नहीं आती। एनीवेज एमी, देख मैं यहाँ पर तेरे फायदे की बात करने आया हूँ। देख, तेरी और मेरी कोई आपस में तो लड़ाई है नहीं, तेरी कंपटीशन है वो जस्सी। मिस अमृतसर चुई मुई। अब देख, और हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है स्कूल की टॉपर है वो। मैं बता रहा हूँ, तू और मैं एक हो जाते हैं, लेट्स टेक हर आउट फॉर, याद रखना। ओए पुन्नी, बॉलिंग में तो कमाल हूँ मैं। हाँ, जितनी अच्छी बैटिंग करता हूँ उतनी अच्छी बॉलिंग करता हूँ मैं, लेकिन बॉलिंग के लिए ना रनअप की जरूरत पड़ती है। ओए जस्सी रुक, मैं आता हूँ। वीरे तू जहाँ कहाँ रहा है? ओए जोगी, कल तो तेरा एग्जाम है ना, कैसी चल रही तैयारी? ओए हाँ, अच्छी चल रही तैयारी। अच्छा मैं बाद में मिलता हूँ। हाईवे है क्या? पहली मुलाकात में ठोक दिया। ओ पेन जी, वुमेन्स डे मना रहे हो? वैसे ना लड़कियों को इसलिए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ना आव देखा ना ताव, बस ठोक दिया। गाड़ी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंटलमैन पे छोड़ देनी चाहिए। कोई बात नहीं, सॉरी बोल लो, मैं इट्स ओके बोल दूंगा। मेरे को आज तक एक बात समझ नहीं आई, ये लड़कियां कभी सॉरी क्यों नहीं बोलती? चलो कोई नहीं, रिया कहां चली गई? अरे रिया, थैंक गॉड तुम यहीं मिल गए। सुनो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुमने तो रात भर वही क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना जो मैं तुमको दिए थे। नो यार, चिल्ला दिया, सब कुछ नहीं है मैंने। कैसे चिल रिया, यहां मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है, जो तुमको क्वेश्चन पेपर देते सबके सब फेक निकले। यू नो सब मेरी वजह से हुआ। I'm feeling so bad, I'm feeling terrible at the moment. ना मैं तुमको क्वेश्चन पेपर देता, ना ही कंफ्यूजन होती और ना ही तुम इतनी अंडर प्रिपेयर्ड होती अपने एग्जाम्स के लिए। तुम चीटिंग करके कंपटीशन जीतना चाहती हो, दैट्स नॉट अलाउड। अगर तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है ना रिया, तो पूरी मेहनत, लगन और पढ़ाई के साथ जीतना है, एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ यू। रिया, रिया, आई नो तुम्हें शॉक लगा है, आई एम रियली सॉरी रिया, पर तुम इतनी अंडर प्रिपेयर्ड हो, अब क्या करोगी तुम? हाँ, शॉक में तो हूँ मैं, पर आज भी मेरी मॉमजी करेक्ट थी। किसी ने सही कहा ना आदि, नॉलेज इज पावर। तो
मतलब तुम टेंस नहीं हो? तुम्हें टेंस होना चाहिए। आई मीन तुमने कुछ पढ़ा? क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे चीटिंग ही नहीं करने दी। वो दोनों जगे थे पूरी रात मेरे साथ। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और फिर मेरी मॉम्जी के इंटरफेरेंस ने आज मुझे फिर बचा लिया। Isn't that great? Yeah, I mean, of course. It's good. Sweet. Best of luck, Adi. All the best. ओए जस्सी, तेरा हाथ तो ठीक है ना? ओए अमृतसरियो फौज। ओए राहुल। ओए जस्सी, तू चल मैं आया। कमाल है यार, तुम्हारे पाक इंटरनेशनल का सही है। जा देखो, अपने स्कूल के टीचर घुसा देते हैं। अच्छा हाँ। समझ नहीं आया, हिंदी में बोल वापस। अच्छा हाँ। समझाता हूँ फिर। तुम्हारे एकेडमिक ग्राउंड का जज कौन है? तुम्हारे स्कूल का कोई टीचर है? अरे यार, वो हिटलर का पोता सुमेध सिंह तो नहीं है? सुमेध सर नहीं है। कौन आएगा? जरूर किसी तोप को भेजेंगे, देख लेना। यार जिसे भी भेजे देखना, वो लड़कियों को ही साइड करेगा। ओ प्लीज, लड़कियों को ना किसी की साइड की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें सर से क्या लेना देना, हमें तो पढ़ के जाना है। How does that matter to us? Oh genius! मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एमी सही कह रही है गाइस। टीचर कोई भी हो, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। जी के, या तो आंसर आता है या तो नहीं आता। So just chill. Riya is right. As always. वैसे जोगी, टीचर के नाम से तुझे क्या काम? आई मीन टीचर्स पेट बनना तो तेरी बहन का काम है। एनीवे, हर कॉम्पिटिशन एक रेस ही तो है, मगर इसे तू कचरे के डिब्बे में छिपके जीत नहीं सकता। कचरे के डिब्बे मतलब? कुछ नहीं, जोगी समझ गया है ना जोगी। ऑल फाइनलिस्ट्स रिपोर्ट टू द ऑडिटोरियम फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ एकेडमिक क्विज। ओए रिया से बड़ी शिकायत कर रहा था तू? Dude. वो गर्लफ्रेंड मेरी है, खामा का बीच में मत पड़, कहीं कोलैटरल डैमेज ना हो जाए। सोच ले। डैमेज पीस तो मैं बचपन से ही हूं, क्यों रिया? लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली अगर तुम दोनों के बीच में कोई गैप रहा तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ऐसे भी बहुत भरोसा है ना तुम दोनों को एक दूसरे पे, तो फिर डर किस बात का? चल रिया की खातिर, फ्रेंड्स। Sure, friends. वही गले मिल यार। बेटा बहुत बड़ा गेम प्लेयर है ना तू, अब तू देख तेरे ही गेम में अगर रिया के सामने तेरे को नंगा नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी जोगी नहीं। जरा संभाल के जोगी, कहीं सबके सामने तेरी पैंट ना उतर जाए।
डर गया मैं। डरेगा तू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.